दोस्तों आज का रेसिपी है दाल पूरी। दोस्तों हमारे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। दाल पूरी की रेसिपी चेकआउट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों हमने लिए है एक कटोरे मसूर की दाल, हमने मसूर की दाल को पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर में थोड़ी सी पानी डाल के मसूर की दाल को एक सीटी मारने तक उबालेंगे। दोस्तों जब तक मसूर की दाल उबलता है तब तक हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हम आटे को गूंदेंगे। लीजिए हमने आटा गूंद लिया है, अब हम इसको ढक्कन से ढककर थोड़ी देर रेस्ट में रखेंगे। हमने प्याज को काट के रेडी किया है और फाइन चॉप किए हुए अदरक लहसुन साथ में हरी मिर्च। अब तेल में डालेंगे कटे हुए प्याज साथ में चौपके हुए अदरक लहसुन और हरी मिर्च। लीजिए हमारे मसूर की दाल भी बॉईल हो गई है और रेडी है दाल के लिए कढ़ाई पे। हमें बॉईल किए हुए मसूर की दाल को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अब हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर। मसाले और दाल को अच्छी तरह मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारी दाल पक चुकी है और दोस्तों हमें इसको अच्छी तरह स्मैश कर लेना है ताकि वो स्मूथ और नरम हो जाए। हमने दाल में थोड़ी सी हरा धनिया पत्ता भी मिला दिया है और हमारे दाल पूरी का स्टफिंग तैयार है। दोस्तों हमने आटा को गोल शेप में बेल लिया है और उसमें डालकर स्टफिंग डाल दिया है। स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसका मुंह बंद कर लेंगे और इसको गोल शेप में फिर से एक बार बेल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों इसमें हमने दाल का स्टफिंग डाल के फिर से एक बार बेल लिया है। अब बारी है तलने की दाल पूरी। यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये आसान और झटपट बनने वाली नाश्ता आपकी अचानक आने वाली भूख को झटपट मिटा सकती है। तो लीजिए दोस्तों हमारे दाल पूरी पूरी तरह तल चुकी है और अब बारी है प्लेटिंग की। तो आप भी इस आसानी से बनने वाली और झटपट तैयार होने वाली इस दाल पूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर शाम का नाश्ता शानदार बनाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नए रेसिपी के साथ। हमारे वीडियो और रेसिपी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।